के गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो दूध के घरों में दूध के पैकेट सप्लाई करते हैं। ऐसी लड़की जो खुशकिस्मत है जो नासा के लिए सेलेक्ट हो गई है, तो मेरी आप लोगों से तमाम से दुआ है, ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लड़कियों को घरों में मत रखिए, बल्कि स्कूल में शरीक कराइए, ये तेलंगाना हमारा देश में शरीक कराइए, जहाँ पर हर चीज़ की सहूलत दी जा रही है। एक एक लड़की पर एक एक लाख का खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, इससे फ़ायदा उठाइए। मुसलमानों जागो, जागने का वक्त आ गया है। आप तमाम अपने अपने लड़कियों को लड़कों को ला कर स्कूलों में दाखिला दिलाइए, क्योंकि दाखिले शुरू हो चुके हैं। 19 मार्च से दाखिले फ्री ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, इससे फ़ायदा उठाइए और अपने घरों को संवारिए, क्योंकि ये लड़कियां जब काबिल हो जाएंगी तो माँ बाप को भी सुधार देती हैं, घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल हो जाएंगी तो इनकी शादियां भी अच्छे घरानों में होंगी, माँ बाप को खुशी होंगी। अब जो बर्डन है, जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में जो फीस है, वो ये फीस नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पर फ्री तालीम का इंतज़ाम है। मैं CM साहब का, शफीला साहब का, तमाम हेड ऑफिस के लोगों का, तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे CM साहब ने एक अच्छा इकदाम उठाया। मैं इस इकदाम को झुककर सलाम करती हूँ कि आपने गरीबों के लिए बहुत अच्छा इकदाम किया, जो पूरे तेलंगाना में 204 स्कूल कायम हो चुके हैं। पहले 71 कायम हुए थे, उसके बाद 204 है, उसमें 10th क्लास भी है और इंटर भी शुरू हो चुका है। इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि ये और तरक्की करें और ये 500 तक ये स्कूल कायम हो जाएँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि तमाम